कोई तो बात है इस मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए कोई ताजमहल तो नहीं बनवाता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि की रुचि, एंड दिस ब्लॉग इज अबाउट ताजमहल। वैसे ही पीछे देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। सो गाइज, आज मैं ताजमहल में हूँ। जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियोस में देखते आ रहे होंगे कि मैं अभी ट्रैवलिंग अपनी मम्मा और अपनी चाची के साथ कर रही हूँ, तो ये मेरी दो बेस्ट फ्रेंड्स कंटिन्यू हैं। सो एज यू गाइज नो कि ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव, मतलब ताजमहल है प्यार की निशानी। ताजमहल को देख के बस लोगों को एक ही चीज याद आता है, शाहजहां, मुमताज या किसी का प्यार। बहुत गाइज, हम बात करते हैं ताजमहल की। जैसा कि आपको पता है, ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है और पहले नंबर पर है ताजमहल, और जो कि इंडिया में एस्टैब्लिश है। आई लव टू से कि आई एम इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ माय इंडिया एंड आई लव इंडिया। सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग अबाउट ताजमहल। ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोग जानते होंगे, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। प्लीज मेरे उड़ते हुए बालों को इग्नोर करें। सो गाइस, अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी वाइफ ताजमहल की याद में बनवाया था। एक्चुअली मुमताज जी की ये लास्ट विश थी कि उनका मकबरा दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरों में से एक होना चाहिए, तो ताजमहल शाहजहां ने मुमताज जी की याद में बनवाया। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 से स्टार्ट हुआ था और 1654 यानी कि 22 ईयर्स ये ताजमहल बना है, और यहाँ पे 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया है। सो गाइस, ये जो ताजमहल के पीछे आप मीनार देख रहे होंगे, ये मीनारे बाहर की तरफ आई मीन थोड़ा सा ऐसे पोजीशन में है, जिसकी वजह से इसका रीजन ये है, आई मीन साइंटिफिक रीजन जो है, कि जब भूकंप आए या कुछ भी हो, आई मीन भूकंप आए तो ये मीनारे ताजमहल की तरफ ना होकर ताजमहल के बाहर की तरफ गिरे, सो जिससे कि ताजमहल सेफ रहे। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी शाहजहां के बारे में। शाहजहां जी का एक और नाम था शहाबुद्दीन खुर्रम, ये एक्चुअली उनका बचपन का नाम था, और ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के हर बर्थडे पर, खुर्रम के हर बर्थडे पर उनके डैड उनके बराबर का सोना तोलते थे और उनके नाम खजाने में जमा करते थे। शाहजहां जी की शादी 15 ईयर्स में ही हो गई थी मुमताज जी से, और शाहजहां और मुमताज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आई मीन ये बात वैसे तो सबको पता थी कि शाहजहां की फेवरेट रानी जो है वो मुमताज है, उनकी जो बहुत ही फेवरेट बेगम है वो मुमताज है, पर किसी को ये कहाँ पता था यार कि वो प्यार में इतना डूब जाएंगे, इतना खो जाएंगे कि प्यार की सबसे बड़ी निशानी बना के जाएंगे, प्यार की सबसे बड़ी निशानी बनवा के जाएंगे मुमताज जी के लिए। और सो मैं तो यही कहूँगी कि यार अगर प्यार हो तो ऐसा हो शाहजहां और मुमताज जी की तरह। अभी तक ना मैंने सिर्फ शाहजहां और मुमताज के प्यार की बातें सुनी थी, सिर्फ ताजमहल के बारे में सुना था, बट ताजमहल एक्चुअली आने के बाद पता चला यार कि वाओ, सच अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। और मॉन्यूमेंट बोलना तो मेरे लिए सही नहीं होगा, एक्चुअली मैं प्यार की निशानी ही बोलूँगी, बिकॉज ये प्यार की निशानी है, और ये प्यार की निशानी दुनिया की सबसे खूबसूरत प्यार की निशानी है। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई कुछ बनवा सकता है। ये इतना ज़्यादा सुंदर है और इतना ज़्यादा प्योर है कि मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। मैंने आपको जैसे बताया कि शाहजहां और मुमताज की शादी 15 ईयर्स में ही हो गई थी। मुमताज महल और शाहजहां की शादी के 10 साल बाद शाहजहां ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, ऑलमोस्ट उन्होंने सारी लड़ाइयाँ जीती। इस बात से खुश होकर शाहजहां जी के पापा ने उनको शाहजहां नाम से नवाजा। पहले उनका नाम शहाबुद्दीन खुर्रम था। इन लड़ाइयों और इन जीतों के बाद ही उनको उनके डैड ने शाहजहां के नाम से नवाजा। शाहजहां का नाम है दुनिया पर राज करने वाला इंसान, एक ऐसा आदमी जो दुनिया पर राज करे, उसका मतलब है शाहजहां। जो मुमताज जी हैं, उनकी डेथ थी एक्चुअली जब वो अपने शाहजहां के 14th बच्चे को जन्म दे रही थी, उस टाइम उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, उसी समय मुमताज जी की डेथ हुई थी। और गाइस, मुमताज जी की डेथ के बारे में सुनते ही शाहजहां जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक्चुअली वो किसी
युद्ध से वापस आ रहे थे, वो जीत कर वो उसकी खुशी भी नहीं मना पाए थे कि उन्हें ये दुख भरी एक कहानी पता चल गई, एक स्टोरी पता चल गई उनकी कि उनकी सबसे फेवरेट रानी जो मुमताज थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। सो ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें मुमताज़ जी की डेथ के बारे में पता चला तो शाहजहां ने 8 दिन तक अपने आप को एक कमरे में कैद करके रखा था। उन्होंने कुछ खाना पीना नहीं खाया, वो सिर्फ कमरे में कैद मुमताज़ जी को याद कर रहे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगले 2 साल तक उन्होंने अपनी बॉडी पर कोई परफ्यूम कोई इत्र नहीं यूज़ किया, उन्होंने कोई सॉन्ग नहीं सुना उस टाइम पे, जो कव्वाली जो मौसिकी होती थी वो नहीं सुना, उन्होंने कोई भी मुजरा या कोई भी डांस कोई भी ऐसा फेस्टिव सीज़न उन्होंने नहीं अटेंड किया। इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे मुमताज़ जी की डेथ। मैंने आपको बताया कि ये मुमताज़ जी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में रखा जाए, उनकी कब्र को। सो बेसिकली मैं आपको मकबरा बता देती हूँ, मकबरा क्या चीज़ होती है। मुस्लिम कम्युनिटी में ये होता है, नीचे कब्र जहाँ पे गड़ी होती है उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाई जाती है उस पूरे मॉन्यूमेंट को मकबरा कहते हैं। आपने बहुत सारे मकबरे देखे होंगे, हुमायूं मकबरा, और ये ताजमहल भी मुमताज़ जी का मकबरा है, शाहजहां जी का मकबरा। सो मुमताज़ जी की आखिरी ख्वाहिश शाहजहां के दिलों और दिमाग में बस गई थी। उन्होंने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए बट मुमताज़ के लिए वो एक ताजमहल बनना बहुत ज़रूरी है। मुमताज़ जी की डेथ के 6 मंथ के बाद ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। अराउंड 20,000 वर्कर्स ने यहाँ पर काम किया है और 22 ईयर्स तक लगातार दिन रात। बिकॉज जो मुमताज़ जी की कब्र है वो जस्ट यमुना नदी के किनारे थी, तो यहाँ पर मकबरा बनाना बहुत ही मुश्किल होता। जो एक रेड कलर के जो पत्थर का मार्बल का पूरा बेस बनाया है उसके ऊपर ताजमहल बना है। एक्चुअली वो बेस बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। मुझे यहाँ के जो 2 फैक्ट्स पता है बेस के बारे में, एक ये कि पहले यहाँ पर कुआं खोदा गया, जब तक सूखी मिट्टी नहीं मिल गई तब तक कुआं खुदते रहे और बहुत सारे कुएं खुदे हैं, उसमें पत्थर भरा गया है, उसके बाद बेस बनाकर ये ताजमहल खड़ा किया गया है। और एक मैंने और इसके फैक्ट सुने हैं कि इसके ये पूरा बेस लकड़ियों पर बनाया गया है, ऐसी लकड़ी जिसके लिए नमी बहुत ज़रूरी थी, वो जितना नमी पाएगी उतनी वो लकड़ी स्ट्रांग होगी। आई डोंट नो वो लकड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं या कहाँ होती है, मैंने जो सुना है मैं वो आपको बता रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपको इस मॉन्यूमेंट के बारे में, इस बेस के बारे में कोई दूसरी नॉलेज है कि बेस इस बेसिस पे बना है। ताजमहल को बनवाना एक बहुत ही बड़ा टास्क था। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शाहजहां के ऊपर, तो उन्होंने सोचा कि आइडियाज़ कहाँ से ले। सो हम कहाँ से इंस्पायर होते हैं, अपनी फैमिली से इंस्पायर होते हैं, हम लोग अपने मम्मी पापा से इंस्पायर होते हैं, अपने बड़े भाई बहन से। तो शाहजहां जी इंस्पायर हुए हैं अपने डैड, अपने चाचा और अपने दादू के। ताजमहल के मीनारे हैं इसका आइडिया शाहजहां जी ने अपने डैड के मकबरे से लिया था। उनके मकबरे में ऐसे मीनारे थी तो उससे ये आइडिया लिया है। और उसके बाद ये जो ताजमहल के ऊपर जो गुंबद आप देख रहे हैं, जो शाहजहां के दादाजी थे उनके टॉम पे, उनके मकबरे पे सेम ऐसा गुंबद बना है। सो अपने दादाजी के मकबरे से इंस्पायर होके शाहजहां ने वो गुंबद लिया है जो ताजमहल के ऊपर गुंबद हुआ है। अपनी फैमिली को इंस्पिरेशन में रखते हुए ये ताजमहल की इतनी बड़ी मीनार खड़ी हुई। सो गाइस ये जो आप चारों तरफ पत्थर लगे देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरे वर्ल्ड के फाइनेस्ट मार्बल में से एक है। इस पत्थर का नाम है मकराना पत्थर। मकराना पत्थर जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है और राजस्थान में, ये पूरा वर्ल्ड फेमस पत्थर है, इस तरीके का फाइनेस्ट पत्थर और पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता है। सो गाइस ऐसा कहा जाता है कि जब ताजमहल की शुरुआत हुई, ताजमहल बनने की शुरुआत हुई, तो शाहजहां ने पूरा मकराना पत्थर बुक कर लिया था। उन्होंने स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर दे दिया था कि ये पत्थर कोई भी नहीं लेके जा सकता है जब तक ताजमहल का कंस्ट्रक्शन पूरा ना हो जाए। इट मीन्स किसी को भी अलाउ नहीं था कि मकराना पत्थर खरीद के वो अपने घर में लगा ले या कहीं पर लगा ले जब तक ताजमहल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता। सो यहाँ पे जो पत्थर यूज हुए हैं ये वाइट संगमरमर के अलावा जो दूसरे पत्थर यूज हुए हैं वो बहुत ही नायाब पत्थर हैं।
ऐसे पत्थर जो तिब्बत, श्रीलंका और इंडिया के बाहर से मंगाए गए थे। आप समझ रहे हैं उस टाइम पर इंडिया के बाहर से चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना कितना मुश्किल होता था। वो उस टाइम पे शाहजहां ने बाहर से मंगवाए हैं और जो इसमें पत्थर यूज़ हुए गाइस वो बहुत ही ज़्यादा कीमती पत्थर है। जो पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं और जो नक्काशियाँ हुई हैं, इस नक्काशियों को पेट्रा डोरा कहा जाता है। पेट्रा डोरा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक बेस पत्थर पर कटिंग करके दूसरे पत्थर को चिपकाया जाता है और ये पत्थर बहुत ही नायाब, बहुत ही कीमती। एक्चुअली ये पत्थर पहले पूरे ताजमहल में देखने को मिलते थे, बट बाहर के लोगों का आना और जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो ये इम्पोर्टेंट पत्थर निकाल के ले गए थे। तो सो ये पत्थर अब बहुत ही कम बचे हैं। मैं आपको अभी एक जगह दिखाऊंगी जहाँ का पत्थर एक्चुअली निकाला हुआ है। ये मेरे सामने दिख रहा है, सो गाइज बिकॉज ताजमहल का काम 22 सालों से हो रहा था तो शाही खजाना पूरा खाली हो चुका था। पूरा मुगलिया सल्तनत बहुत टेंशन में था यार कि क्या होगा, मतलब शाहजहां को क्या हो गया है, वो कर क्या रहे हैं। बट शाहजहां ने तो ठान ली थी कि वो अपने प्यार की निशानी को कायम करके रहेंगे। सो ये ताजमहल बन गया और एक्चुअली शाहजहां जी चाहते थे कि जैसे मुमताज जी के लिए वाइट ताजमहल बना है, उसके जस्ट सामने वो अपने लिए काला ताजमहल बनवाए। बट जो मुमताज जी के और शाहजहां जी के पुत्र थे औरंगजेब ने ये सुना और औरंगजेब ने उन्हें कैद कर दिया। पूरे 8 साल तक शाहजहां जी कैद थे यहाँ पे आगरे के किले में और उसके बाद उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। उन्हें सिर्फ एक फैसिलिटी दी गई थी कि वो वहाँ से जिस खिड़की से देखते थे ताजमहल पूरा साफ दिखता था। सो गाइस ये है ताजमहल का एंट्रेंस गेट। सो गाइस ये जो आप पेड़ देख रहे हैं एक्चुअली पहले बहुत बड़े बड़े थे बट इनको अभी कट कर दिया है बिकॉज इसकी वजह से जो फ्रंट व्यू ताजमहल का होता है वो अच्छे से दिखता नहीं था, इसकी वजह से ये पेड़ को छोटा कर दिया गया। ये यहाँ पे 53 फाउंटेन्स हैं और ये उस टाइम से चले आ रहे हैं जब से ताजमहल बना है। ना ही कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ थी, ना ही किसी मोटर से चलते हैं। एक्चुअली इनके नीचे एक टंकी रखी गई है जो एक साथ फिल की जाती है, फिर उन पर प्रेशर पड़ता है तो ये सब फव्वारे बाहर की तरफ पानी फेंकते हैं। ऐसे जो आप ग्राउंड्स गार्डन्स देख रहे हैं, ऐसे अराउंड 16 गार्डन्स है पूरे ताजमहल के कंपाउंड में। सो गाइस बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं कि ताजमहल के कलर चेंज होते हैं। एक्चुअली ताजमहल के कलर रिफ्लेक्शन की वजह से चेंज होते हैं, जैसे कि ये मॉर्निंग का ताजमहल आप देख रहे हैं, अराउंड 8 बज रहे हैं मॉर्निंग के और मैं 8 बजे मॉर्निंग में आई हूँ और ये बिकॉज सनलाइट बैक से आ रही है इस वजह से ताजमहल अभी पूरा ब्लैक शेड में दिख रहा है। और गाइज यही अगर इवनिंग होता है या नाइट होता है तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से कलर्स इसके चेंज हो जाते हैं। यहाँ से आप शाहजहां और मुमताज दोनों की कब्र देख पा रहे होंगे। गाइस आप एक ब्यूटी देख रहे हैं, मतलब क्या ब्यूटी है यार, क्या ब्यूटी है, कैसे बनाया गया होगा इसको।
दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो गाइस, ये जो मैं बात कर रही थी, जो लोग बोलते हैं कि इसका कलर चेंज होता है, ये देख रहे हैं आप, ये फ़ोन टॉर्च की लाइट है और ये आप मार्बल का रिफ्लेक्शन देखिए। तो रात में जो बोलते हैं कि शाम टाइम में ताजमहल पूरा गोल्डन हो जाता है, तो ये रीज़न है उसके गोल्डन होने का, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज़ टोटली डिपेंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ताजमहल पे जैसे लाइट्स पड़ती हैं उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होता है। देख रहे हैं आप ये छोटी सी लाइट इसको कितना ब्यूटीफुल और कितना कलरफुल बना रही है। सी दिस, जैसे लग रहा है कोई गोल्ड अंदर लगाया गया हो इसमें। सो गाइस, वो वहाँ पे आपको दूर आगरा फोर्ट दिख रहा है, वहीं से ये नदी के रास्ते यमुना नदी में होते हुए इधर बैक साइड से शाहजहाँ जी हर साल मुमताज़ जी के मकबरे पर आते थे उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। ऐसा बोलते हैं कि शाहजहाँ जी हर साल मुमताज़ जी की डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ आते थे। तो गाइज, वो जो आप देख रहे हैं जगह, वो है शाही गेट, वहीं से लोग एंट्री करते थे जो शाही होते थे, जो शाही घराने के होते थे। एंड दिस वन इज़ मेन गेट फॉर एंट्री। यहाँ से कोई नॉर्मल इंसान एंट्री नहीं कर सकता था उस टाइम पे ताजमहल के अंदर। अब तो टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है ये जगह। एंड दिस वन इज़ रियल ब्यूटी गॉड। गाइस, ये जिन जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा है, प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइफ में कहीं घूमने जाएं या ना जाएं, बट यार प्लीज़ विज़िट ताज महल वंस इन योर लाइफ। एक बार ज़िंदगी में ताजमहल ज़रूर देखे आएँ। हवाओं में प्यार क्या होता है आपको वहाँ पे जाके महसूस होगा। मुझे तो एक दो बार आंसू आ गए थे वहाँ पे। सो गाइस, प्लीज़ ताजमहल ज़रूर जाएं, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू सो मच गाइस।